नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एमके वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप अक्सर ऑनलाइन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डेटा सर्च करते होंगे और जो कंटेंट आपने सर्च किया है उसको नोट करना काफ़ी टफ होता है। आपने जो कंटेंट सर्च किया है उसको आपने फ्यूचर में भी यूज़ करना होता है और आपको उस कंटेंट को दोबारा ना सर्च करना पड़े, तो इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने पीसी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उस कंटेंट को पिक्चर की फॉर्म में सेव रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल क्रोम को खोल रहा हूँ और मान लो हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सारा डेटा सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइट को खोल रहा हूँ और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप कैसे विंडोज 10 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इनको आप नोट करना हो तो काफी टफ रहेगा, तो क्यों ना इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसको सेव कर लें ताकि हमको दोबारा ना सर्च करना पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखना है। इसके ऊपर एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, तो आपने प्रिंट स्क्रीन को सिंपली प्रेस करना है। प्रेस कर लिया, इसके बाद आपने अपने ब्राउजर को बंद कर देना है और अपने कंप्यूटर पे आपने पेंट एप्लीकेशन जो होती है उसको खोलना है। जब पेंट एप्लीकेशन खुल गई, इसके बाद आपने देखिए यहाँ पे पेस्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन आपने कैप्चर की है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने सेव कर लेना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और सेव। ठीक है, इसके बाद आपने पेंट एप्लीकेशन को बंद कर देना है। अब आप देखिए जो स्क्रीन को आपने कैप्चर किया था वो आपके लिए स्टोर हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब आपको बार बार गूगल क्रोम में जाके इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आप अपने पीसी में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव भी बता रहा हूँ जिसके थ्रू भी आप अपने पीसी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए मैं क्रोम को खोल रहा हूँ, दोबारा से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब दूसरा मेथड क्या है, आपने क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है एक्सेसरीज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है स्निपिंग टूल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक छोटी सी विंडो आएगी और आपकी स्क्रीन जो है थोड़ी फेड हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आप किस तरह का कैप्चर लेना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम स्निप, रेक्टेंगुलर, विंडो स्निप या फुल स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर वही कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ ये 3 स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस तरह से आप जो भी कंटेंट आपको चाहिए आप वो जो है यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह की विंडो खुलेगी और यहाँ पे आपको बोल रहा है सेव करने के लिए, तो आपने सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप के ऊपर जैसे मैंने सेव कर लिया कैप्चर नाम से। ठीक है, अब आपने इसको क्लोज कर देना है। तो आप देखिए ये कैप्चर जो मैंने अभी किया, आप इसको ओपन करेंगे तो इसका ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप आसानी से अपने पीसी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें
और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।